Okay, here we are. Fish and chips. Good mountain view. Right, room में चाय भी ready रखी गई है हमारे लिए host की तरफ से with biscuit और एक wine की bottle भी रखी है, लेकिन obviously हम wine वगैरह तो use करते नहीं, लेकिन just in case, just to let you know कि इतना कुछ arrangement आपको welcome करने के लिए ये रखते हैं यहाँ पे. ओके, हियर वी आर. सो यहाँ वेल्स में पहुँच चुके हैं हम. जैसा कि मैंने बताया, यहाँ कुछ दिन की हॉलीडेज प्लान है मेरा. सो वेल्स बेसिकली एक कंट्री है विच इज़ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम. जो लोग इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानते हैं, बेसिकली ये चार मुल्क हैं, फोर कंट्रीज हैं, जिसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड का जो कुछ हिस्सा है, ये तीन कंट्रीज़ मिलाकर बनता है यूनाइटेड किंगडम. सो अब हम जो है एक्सप्लोर करेंगे वेल्स को, विच इज़ वन ऑफ द कंट्री पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम. इंग्लैंड में तो मैं रहता हूँ लंदन में, तो लंदन से यहाँ पहुँचे हैं. ऑलमोस्ट 3.5 hours की जर्नी है बाय ट्रेन. ट्रेन मैंने यूज़ की, आई लाइक ट्रेन राइड. सो अभी हम थोड़ा इसको एक्सप्लोर करेंगे. बेसिकली ये वेल्स का एक रिजॉर्ट है, सी साइड एक छोटा सा टाउन है, टूरिस्ट स्पॉट है, बड़ा पॉपुलर. इसका नाम है लैंडूनो. सो बड़ा अच्छा एक छोटा सा स्पॉट है, लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े कोऑपरेटिव हैं, फ्रेंडली हैं, और जगह तो खूबसूरत है ही, आप देख रहे हैं. तो इसकी हम वेरियस टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जो हम एक्सप्लोर करेंगे. तो अभी एक वॉक करते हैं, एक एक्सप्लोर करते हैं इसको. सो लेट्स एक्सप्लोर वेल्स लैंडूनो.
ये सी साइड की या दरिया या बीच पास होने की यही एक ब्यूटी है कि आपको ये सीगल्स हर जगह उठते हुए नज़र आ रहे हैं और इनका शोर शराबा आपको नज़र आ रहा होगा। इवन मैं जब अपने होटल रूम में था तो बालकनी है तो बाहर से भी होटल के रूम में भी इन सीगल्स के चीखने चलाने की आवाज़ जो है वो आ रही थी, जो कि बड़ी भली महसूस होती है। शोर कानों को चुपने वाला शोर नहीं होता, स्पेशली जब आप सिटी से आते हैं लंदन जैसे बिजी और बजिंग सिटी से, तो वहाँ परिंदों की आवाज़ और ऐसी जो कुदरती मखलूकात होती हैं या क्रिएचर्स हैं उनकी मौजूदगी और आवाज़ बहुत कम मिलती है आपको, इसलिए एक नया एहसास आपको होता है यहाँ आकर। बहुत सारी आबी हयात हैं यहाँ पर, स्पेशली परिंदे। तो अभी मैं सिर्फ एक सिंपल वॉक कर रहा हूँ, वो सामने एक रेड कलर की आपको बस नज़र आ रही है, वो साइट सीइंग बेसिकली बस है, एक राइड है जो कि ऊपर से उसका सेकंड फ्लोर जो है वो ओपन है, वो आपको एक टूर कराती है तमाम स्ट्रीट्स का जैसे आपको नज़र आ रहा है। तो उस पर भी मैं राइड करूँगा क्योंकि वो एक बेहतरीन तरीका है सिटी को या टाउन को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर करने का। सो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं उसके टॉप फ्लोर पे बैठ के एक टूर लूँ पूरे टाउन का। तो अभी मैं बस घूम रहा हूँ थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए कि यहाँ पे क्या कुछ मौजूद है, क्योंकि अभी मैं सुबह घर से निकला था, अभी तक लंच भी नहीं किया, कुछ भूख भी महसूस हो रही है। सो पहले कुछ पेट पूजा होगी, तो मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं खाने के लिए यहाँ पे, क्योंकि हमें हलाल ऑप्शन का भी ख्याल रखना पड़ता है। वैसे तो बहुत कुछ मिल जाता है खाने को, लेकिन हलाल की ऑप्शन को भी ढूंढना पड़ता है यहाँ पे आके, जो कि मिल जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि बीच पे और कुछ मिले ना मिले फ़िश एंड चिप्स तो आपको ज़रूर मिल जाता है, क्योंकि बीच और फ़िश एंड चिप्स आपस में लाजिम व मलजूम है। तो अगर कुछ और मुनासिब ना मिला तो फ़िश एंड चिप्स से ही आज अपनी तवाज़ो करेंगे हम। ये लंदनों की इसकी सी साइड के साथ साथ एक छोटी सी मार्केट है, तो आप देख सकते हैं क्यूज लगी हुई हैं, ये आइसक्रीम पार्लर है बेसिकली, क्योंकि टूरिस्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं यहाँ पे। कॉफ़ी शॉप है, आइसक्रीम पार्लर है, ओ यस, जैसा कि मैं अभी फ़िश एंड चिप्स का जिक्र कर रहा था, तो ये आप देख सकते हैं कि इस रिज़ॉर्ट का स्पेशल फ़िश एंड चिप्स यहाँ पे ये शॉप है। आप देख सकते हैं कि वो खातून फ़िश एंड चिप्स लेके अभी जा रही है, वाह बड़ा मैसिव पीस मिला है उन्हें फ़िश का। अभी मैं आगे मज़ीद भी कुछ ऑप्शन देखूंगा। राइट, ये तो डोनट्स हैं स्वीट्स, तो इसको अभी साइड पे रखते हैं। बच्चों की खूब ईद है यहाँ पे, ये छोटी छोटी गेम्स और वीडियोस, और ये एक वीडियो गेम की शॉप नज़र आ रही है जैसा आप देख सकते हैं। इसमें मैं एक गेम होती है जो कि मेरी फेवरेट है, उसको आके मैं वापसी पे खेलूँगा, लेकिन पहले मैं एक वॉक करना चाह रहा हूँ। ये एक आसमानी झूला टाइप चीज़ आपको नज़र आ रही है, लंदन में कुछ इसी किस्म का एक लंदन का स्पेशल लैंडमार्क है, टूरिस्ट अट्रैक्शन जो कि लंदन आई के नाम से मशहूर है। ये कुछ उससे मिलती जुलती उसका छोटा वर्जन है ये। राइट, लंच टाइम, अभी फिर फिश एंड चिप्स ही मैं ले रहा हूँ, काफ़ी डिलीशियस लग रहे हैं, फ्रेश फ्रेश बना रही हैं ये खवातीन,
ये देख सकते हैं आप, फ्रेश का एक बड़ा पीस है, साथ में चिप्स हैं, फिश बिट्स भी ये दे रहे हैं, छोटे छोटे फिश के पीसेस, इसमें पूरी फिश होती है। All over. And mayonnaise as well. Right. Fish and chips. साथ में कुछ ग्रेवी भी ली मैंने। और यहाँ के जो परिंदे हैं वो ऐसे आदि हैं, जहाँ कोई बंदा खाना लेके बैठता है उनको ये आदत है, वो आगे पीछे आपके जमा हो जाते हैं कि शायद आप ये फूड उनको फेंकने लगे हैं या डालने लगे हैं। ओके, लेट मी एंजॉय माय लंच नाउ। राइट, अभी फिश एंड चिप्स का लंच करने के बाद थोड़ा और आगे चल पड़े हैं हम। इट्स ब्यूटीफुल प्लेस, रिजॉर्ट जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है, और रोड्स जो हैं वो ऊपर नीचे, बेसिकली ये एक पहाड़ी हिली जो है वो इलाका था जिसको तराश खराश के रेजिडेंशियल प्लस सी साइड एक रिजॉर्ट जो है वो बनाया गया है। अभी मैं वॉक कर रहा हूँ ऊपर की तरफ। सो बेसिकली वेल्स की जो कंट्री है, यहाँ पे करेंसी जो है वो इंग्लैंड की ही चलती है, पाउंड्स से आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन ज़ुबान इनकी जो है वो अपनी ज़ुबान जो है वो वेलिश है, वेलिश बोलते हैं ये, लेकिन इंग्लिश जो है वो ज़ुबान ज़्यादा आम है यहाँ पे, हर कोई आपको इंग्लिश बोलता हुआ ही नज़र आता है, इसलिए इट्स रियली ईजी टू कम्युनिकेट अराउंड, कोई कम्युनिकेशन में आपको इशू नहीं होता है सच, लेकिन इनकी अपनी ज़ुबान जो है वो वेलिश है। वेल्स बेसिकली जब 500 सेंचुरी में जब रोमन्स की अफवाज इस इलाके को छोड़ के यहाँ से निकली, तो वेल्स का जो इलाका था वो ब्रिटन्स के साथ यानी यूके के साथ, जो आपका यूके है उसके साथ मिल गया था, इंग्लिश टेरिटरी के साथ, और तब से ये एक तरह से इंग्लैंड की कॉलोनी आप इसको कह सकते हैं। दरमियान में कुछ रेबल्स जो तहरीक हैं या बागियों की तहरीकें भी चली कि हम आज़ाद होना चाहते हैं, और उन्होंने कुछ एक इलाके में अपनी गवर्नमेंट भी बनाई, लेकिन ओवरऑल मोस्टली जो है वो ये इंग्लैंड के साथ ही चल रहा है, ये वेल्स की जो कंट्री है। जी, टाउन का एक ब्रीफ सा चक्कर लगाने के बाद, काफ़ी देर मैंने वॉक की सारे सराउंडिंग्स के एरिए में एक्सप्लोर किया, इट्स ब्यूटीफुल प्लेस, और अभी शाम के 6:40 होने वाले हैं, थोड़ी देर में अंधेरा छाना शुरू हो जाएगा, और मैं अपनी ये वाटरमेलन आइसक्रीम लेके, अभी प्लान ये है कि पीछे ये पानी नज़र आ रहा है आपको किसी इस किनारे पे कहीं जहाँ पे ज़रा खामोशी हो, तो बैठ के सिर्फ लहरों की आवाज़ आए तो वो ज़रा रिलैक्सिंग सा कोई कोना ढूँढने के जहाँ बैठ के थोड़ी देर हम रिलैक्स करें, इससे पहले कि शाम हो जाए, अंधेरा छा जाए। तो आज के लिए इतनी एक्सप्लोरिंग काफ़ी होगी, बाकी के स्पॉट्स जो हैं वो कल के लिए परसों के लिए रखेंगे, तो अभी मैं थोड़ा रिलैक्स करूँगा कहीं बैठ के दरिया के किनारे, समंदर के किनारे। सो लेट्स गो। ऐसी तन्हाई, सुकून और उसके साथ पानी की लहरों का तरन्नुम भरा ये शोर, ये भी अपने आप में एक अय्याशी है। ऐसी तन्हाई और सुकून में बैठकर अगर कभी अपनी ज़िंदगी पर एक नज़र दौड़ाएं, तो एक ख्याल गुज़रता है कि हम इंसान बेचारे भी अपनी ज़िंदगी और जवानी का बेहतरीन तवानाई भरा दौर छोड़कर ज़िंदगी के लिए चंद आसाइशें कमाने निकलते हैं, और जवानी का वो बेहतरीन तवानाई भरा दौर गंवाने के बाद जब कुछ आसाइशें हासिल कर भी लेते हैं, तो उनको देखकर ये परेशानी होती है कि तेरी जस्तजू में जो छोड़ दिया उसका नेमुल बदल तो तू भी नहीं।
मुझको ये जानकर उदासी हुई कि कुछ मसाइल का हल तो तू भी नहीं। शाम के साए आहिस्ता आहिस्ता गहरे होने लगे हैं। यहाँ लग यही रहा है कि और 20 से 25 मिनट तक बाकायदा रात का आगाज़ हो जाएगा।